सोनाली नहीं, दिल अब भी मानने को तैयार नहीं कि सोनाली इस तरह की कोई बात कर सकती है। शायद सुहाना की बात सही है बाऊजी। शायद अभी अभी सोनाली का फोन आया था यहाँ। वो शायद ईशान के साथ ही थी, वो मुझसे बात करना चाहती थी। ओहो, फिर तो ये ईशान को रोकना पड़ेगा। छोटी भाभी रोइए मत, ये सोचिए कि अब क्या करें। सोचना क्या है, हमें मुंबई जाना चाहिए, वो ईशान से सामने सामने बात करनी होगी। हाँ बड़ी, ईशान से बात करना बहुत जरूरी है। तो आलोक को बुलाओ, मैं भी जाऊंगा मुंबई, मैं खुद बात करूंगा उसे। तुम मुंबई जाओगे? अरे ये कोई गंगूराम की दुकान से जलेबी लाने की बात नहीं हो रही जो मुंह उठाए और चल दिए। अरे सुहाना की जिंदगी दांव पे लगी हुई है और तुम। मैं तुम्हारे भले के लिए तो कह रही हूँ। नहीं तो फिर क्या करें, ईशान को छोड़ दे? नहीं, ऐसा करते हैं ना कि दीदी और आलोक चले जाएंगे मुंबई। हाँ ये ठीक रहेगा, आलोक और बड़ी चले जाएं। ठीक है फिर, मैं आलोक को कह देती हूँ कल सुबह की ही टिकट करवा देगा। बाऊजी सुहाना को भी साथ लेकर जाना, वही ठीक रहेगा ना? हाँ हाँ बड़ी ठीक रहेगा। अच्छा सुन, अगर वहां ऐसा लगे कि बात बिगड़ रही है तो ईशान को यहीं ले आना है, हम सब लोग मिलकर समझाएंगे उसे। आइए। मैं लू? नहीं नहीं आप चलिए ना बाबू। हाँ। बिल्डिंग तो बड़ी अच्छी है, वॉचमैन भी था नीचे। हाँ हाँ पापा, यहाँ पे 4 वॉचमैन रहते हैं, 2 डे के लिए 2 नाइट के लिए। चलो अच्छा है, कम से कम इतना तो इत्मीनान रहेगा कि कोई अजनबी ऐसे ही नहीं आ सकता। कैसे देख रहा था वो हमें घूर घूर के, सुहाना को साथ में देखा था इसलिए कुछ नहीं कहा। चलो कौन सा घर है? वो बड़ी माँ। आइए। सुहाना बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, चलो। वैसे बहुत किराया होगा ना इस घर का, इतना महंगा घर लेने की जरूरत क्या थी ईशान को? इस लड़के को पैसे की तो कदर ही नहीं। पापा आप मेरे लिए फाइट करने आए या घर का किराया पूछने? हैं? हाँ हाँ अरे हम तुम्हारे लिए आए बेटा। ये ईशान दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? जरूर सोनाली के पास गया होगा। अरे टांगे तोड़ दूंगा उसकी, चाबी है ना तुम्हारे पास? देखो। एक मिनट, कोई दरवाजा खोल रहा है, खुल के। बड़ी माम, अंकल आइए ना। तुम यहाँ? How dare you? देखा बड़ी माँ, मैं गई नहीं कि ईशान ने से घर पे बुला लिया। सुहाना देखो तुम मेरे लिए जस्ट शट अप, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, समझे तुम? अभी तक मैंने ईशान को डिवोर्स नहीं दिया है, इसलिए इस घर में आने की हिम्मत भी मत करना तुम।
एक बार मेरी बात सुन लो तुम। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। Just get out of the house and get lost. अरे सोना, कौन है, क्या हो गया? पापा, बड़ी माँ, आप यहाँ अचानक? क्या ये है? हो क्या रहा है? तू कर क्या रहा है? और तुझे क्या लगता है, तेरे ऊपर कोई नहीं है? तू बहुत बड़ा हो गया क्या है? नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो फिर सोनाली इस घर में क्या कर रही है? सोनाली, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। बड़ी माँ, आप अंदर आइए प्लीज। नो, जब तक ये इस घर में है ना, मैं अंदर आऊंगी ना पापा, ना ही बड़ी माँ। सुहाना, तुम ये सब क्या, तुम? नहीं नहीं, ये तू क्या कर रहा है ये बता। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नो पापा, वो हम ही डांट रहा है। हाँ सुहाना, इसके कहने का मतलब वही था। बड़ी माँ, पापा आप प्लीज पहले अंदर आ जाइए, बाहर कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? आई सेड आई डोंट केयर। जब ये जाएगी, देन ओनली वी विल सिट एंड टॉक। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।